देखिए उनको बेल मिली है लेकिन जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उन आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। मामला कोर्ट में है और जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम सबको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके कई नेताओं को जिसमें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक शामिल है उनको झूठे मामले में फंसा करके जेल में बंद किया गया है। देखिए ये उनकी अपनी समझ है। अरविंद केजरीवाल जी को या सिसोदिया जी को या किसी अन्य व्यक्ति को जेल भेजा तो कोर्ट ने भेजा है, कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं, कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया हुआ है तो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए ना, उससे पता लग जाएगा सच का है और झूठ का है। देखिए अनेक बार उनकी बेल रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और मेरा ये मानना है कि ये बेल थोड़ा सा उनको राहत दे सकती है लेकिन इस पे ज्यादा खुशी बनाने की आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, क्योंकि ट्रायल होगा, केस चलेगा और अभी सीएम भी उनके अंदर हैं और जो एजेंसीज का ये कहना है कि उनके पास पूर्ण दस्तावेज हैं तो कुल मिलाकर यह बेल में ज़्यादा राहत की बात नहीं मैं कह सकता। अभी जब मुकदमा चलेगा, जब बरी हो जाएंगे तब वो खुशी मनाएं, अभी तो साधारण सी बात है।